चंबा मुख्यालय के पक्काटाला में आखिर भूस्खलन की समस्या के समाधान को लेकर प्रशासन द्वारा काम शुरू करवा दिया गया है। दरअसल चंबा मुख्यालय के साथ मोहल्ला पक्काटाला की पहाड़ी के नीचे भूस्खलन की वजह से हमेशा ही यहां के लोगों के घरों को जमींदोज होने का खतरा रहता था, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में उनकी रातों की नींदें उड़ जाया करती थी। कई बार ये लोग अपने राजनेताओं व सरकार प्रशासन से इस समस्या के समाधान के लिए गुहार लगा चुके थे, लेकिन उनकी समस्या आज तक किसी ने नहीं मानी। लेकिन अब लगता है कि प्रशासन जा क्या है। मीडिया और खबरों के द्वारा भी पक्काटाला की समस्या को दिखाया गया तो प्रशासन ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और आला अधिकारी द्वारा यहां सर्वे भी करवाया गया। और अब राहत की बात यह है कि यहां पर एक कंक्रीट की सुरक्षा दीवार का काम जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे इन लोगों के मकानों को सुरक्षा मिल पाएगी। यहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके मोहल्ला पक्काटाला में पहाड़ी के नीचे से भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता था। यह समस्या कई सालों से चली आ रही थी, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मीडिया का धन्यवाद करते हुए कहा कि मीडिया ने जब इस समस्या को उठाया तो उसके बाद इस समस्या के बारे में प्रशासन द्वारा काम शुरू करवाया गया है, जिसके लिए वो मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम तानिया है। बोलो तानिया। हमारी मोहल्ला में एक काम लगा, मैं बहुत खुशी हुई। हमें तो यही डर लगा रहता था कि बारिश हुई तो पता नहीं क्या से क्या बन जाना हमारा। तो शुक्र है हमारे भगवान ने काम लगवाया और आपका सबका मैं थैंक यू करती हूँ। हमको नींद नहीं आती थी रात को, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। और जब से हमें पता चल के यहाँ पे काम लगा, हमें खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ पे काम लगा है और हमें अब पता है कि हमें कोई खतरा नहीं है। अब हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी काम हो जाए और हम सुरक्षित हो जाएं। की नाम है? शोभना जी। बताइए शोभना जी। मैं सर कल दे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रशासन का कि जो भाई पक्काटाला में काम लगा कल दे। देखो इतनी दिक्कत थी, लैंड स्लाइड होती रहती थी इस मोहल्ले में कल दे, और बच्चे स्कूल के भी जाते रहते थे कल दे। सारा रोड इतना दिक्कत हो जाती थी कल दे, ब्लॉक हो जाता था तो गिरने कल दे पत्थर गिरते रहते थे। पहले भी कितनी बड़ी कार चल गई तभी कल दे चलने फिरने में बड़ी दिक्कत थी कल दे। तो हम प्रशासन से यही दुआ करते हैं कि चलो अच्छी बात है कि भाई काम शुरू हुआ कल दे। तो हम चाहते कि जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए कल। तो जब बारिश होती थी तो कल दे सर कल दे लैंड स्लाइड होती थी, एक 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 बार जो बंदा भी गिर मर गया तो पत्थर पड़ा था उसके सिर में। तो हम यही चाहते सब प्रशासन से कि भाई ये काम जल्द से जल्द ठीक जल्दी से जल्दी होना चाहिए कल दे। और स्कूल के देखो बच्चे जाते, कॉलेज के बच्चे, ड्यूटियाँ वाले सब इस रास्ते जाते हैं कल दे। तो हम चाहते चलो हम बड़ा धन्यवाद करते हैं पीडब्ल्यूडी सर का भी, सरकार का भी बड़ा धन्यवाद चाहते हैं कि भाई उन्होंने जल्द से जल्द काम किया कल दे। जी नीलम। बताइए नीलम जी। हाँ मैं मोहल्ला पक्काटाला से हूँ। जो यहाँ से घर चलती थी बहुत ज्यादा नीचे आने जाने को बहुत दिक्कत होती थी सब लोगों को। तो ये गांव काम शुरू हुआ, हम आपका शुक्र गुजार है सरकार का कि काम शुरू हुआ। तो जब बारिश होती है तो रात को तो बिल्कुल नींद नहीं आती थी और सब कुछ हिलता था, जहाँ कुछ माड़ा या पत्थर भी जाते थे ना नीचे तो हमारे अंदर तक हिलजुल हो जाती थी, इसलिए बड़ी बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो हमारी यही प्रार्थना है कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। और हमारे घर के दूसरी तरफ भी पीछे बहुत ज़्यादा खतरा जी, और बहुत ही जैसे कि जाती है घर जाए, उसके बारे में प्रार्थना है आपके हाथ से कि उसके बारे में भी कुछ किया जाए। हम ना कर सकते हैं, हमें घर रहने बहने की भी बहुत प्रॉब्लम है होती है जहाँ, और झाड़ियाँ वगैरह काटे जा रही हैं तो उसके बाद भी ये कंक्रीटिंग का जो है काम उस साल शुरू करेंगे। मैं जिला प्रशासन और पीडब्ल्यू विभाग का सबसे ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी इस पुकार को सुना और हमारे मोहल्ला में पक्काटाला में ये काम लगवाया। हर बार बारिश के दिनों में हमें दूसरों के घरों में जा कर रहना पड़ता था और कई बार हम गुरा लगा चुके थे, लेकिन प्रशासन के सर में जू तक नहीं देंगी, ताकि अब हमें कुछ आशा हो गई है कि ये काम जो है सिर्फ सिर चढ़ जाएगा। मेरा नाम राजेश कुमार है जेरी, और मैं मोहल्ला पक्काटाला का निवासी हूँ। सर हमारे यहाँ पर बहुत ही दिक्कत रहती थी, जब भी बारिश लगती थी, बरसात का मौसम होता था तो इतना ज़्यादा यहाँ से
घारा जाता था, लाइन सैंडिंग होती थी कि हमें इतना डर लगता था, हमें कई बार जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जो है जाना पड़ता था, इतना खौफ था, इतना डर था, ऐसा था कि कब हमारे घर जो है वो नीचे चले जाने हैं। और रात को जो है वो नींद तक नहीं आती थी और हमें कुछ थोड़ी सी आस नज़र आई। अब जहाँ यहाँ पर जो काम शुरू हुआ है उससे हमें थोड़ी सी राहत मिली है और हमारी इस मोहल्ले की समस्या को जो लाइन सरेंडी की है, घारे की है, उस समस्या को भी जो है उस वक्त जो है उठाया गया था और उन्होंने हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया। आज जब यहाँ पर काम शुरू हुआ है तो हमें बड़ी खुशी और राहत मिली है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं जिला प्रशासन का और लोक निर्माण विभाग का। हम ये चाहते हैं कि ये काम जो है जल्द से जल्द पूरा हो और जल्दी जल्दी से जल्दी ये जो है काम का निपटारा हो सके।